दोस्तों हम लोग हैं यहाँ पे चौक मंडी क्रॉसिंग पे और यहाँ एक बहुत बड़ा मसला पेश आ गया है। यहाँ पे एक ट्रक पिलर के बीचों बीच फंस गया है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत भयानक सा पिलर ट्रक है और ये ऊपर मेरे पुल है और ये पुल में फंस गया है ये ट्रक। इस टाइम रात का बजा है 10:30 और बहुत बड़ा मसला हो गया, पूरा ट्रक टेढ़ा हो गया, किसी वक्त भी गिर सकता है। ये देखिए मेरा है, काफी मसले वाला काम हो गया है गाइस, क्या होगा कैसे निकलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये है ट्रक, इसकी वजह से कहीं पुल ना कमजोर हो जाए। यार भैया उनके पास जाओ, चौकी से को उनसे को भेजे लोग तब निकलेगा, ऐसे कोशिश भी ना करना वरना 4-5 लोगों को कर दोगे तुम लोग घायल। हाँ उधर हाँ तो भैया सड़क रोड पुलिस वाले बंद करवाएंगे, पब्लिक थोड़ी ना बंद करवाएंगे रोड, भाई तो बता रहे पुलिस वालों को बुलाओ, उनसे को बैरियर लेके आ, बैरियर खींचे वहाँ पे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे पुलिस वाले भी आ चुके हैं, अब आप देख रहे हैं अब ये लोग आ गए हैं तो अब इन लोग का काम है रोड ये पहले बंद करवाएंगे फिर उसके बाद इस ट्रक को निकालेंगे। ये सही हुआ, पहले तो ये ट्रक वाले की कायदे से बचाएंगे कि शहर में 11 से पहले लाया कैसे ही है। अम्मा भैया हम ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, मेरा काम ही शहर की खबरों को कवरेज करना है। गाइस आप देख सकते हैं ये घर का पहिया भी पूरी तरह से हवा में उठा हुआ है, किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता एक बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे, अल्लाह रहम फरमाए, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है गाइस, क्योंकि पूरा ट्रक यहाँ से टेढ़ा पड़ा हुआ है और किसी वक्त भी ये गिर सकता है। हाँ बहुत बड़ा मसला पेश आ गया, बिल्कुल मेन चौराहे पे काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, लोगों के निकलने वाले बहुत ज्यादा है यहाँ पे, उधर से भी काफी लोग। ट्रक फंस गया है पुल पे, पुल के नीचे से जा रहा था उसमें कोना पकड़ फंस गया ट्रक पे, अभी चोट नहीं लगी, लगने की संभावनाएं हैं, अब वैसे आ गए ये लोग निकलवा देंगे। गाइस ट्रक वाला ट्रक पे चढ़ चुका है, स्टार्ट करके निकालने की पूरी कोशिश करने में लगा हुआ है वो, देखो क्या होता है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर होता क्या है, और आप लोग भी बने रहिए इस ब्लॉग में, जरूर देखिए कि आखिर होता क्या है, क्या ये ट्रक निकल पाएगा, सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये ट्रक निकल पाएगा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, दुआएं भाई दुआएं, वालेकुम सलाम। यहाँ मेरा चाहने वालों की गिनतियाँ कम नहीं हो रही है, हर कोई निकल रहा है सलाम करते हुए। बाकी एक बहुत बड़ा मसला पेश आ गया, मैं इन लोगों को घुमाने भी निकला हुआ था, मैंने साथ ही साथ सोचा कि क्यों ना इसको भी कवर कर लिया जाए। तो दोस्तों वो रहा ट्रक जो फंसा हुआ है, क्या होगा मुझे नहीं पता, अगर मैं बहुत लेट हो रहा हूँ क्या ये ट्रक निकल पाएगा, सबसे अहम सवाल है, बने रहिए व्लॉग में, कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कवर करें, टाइम बहुत कम है क्योंकि मैं आया था, मैं इन दोनों को घुमाने आया हूँ, इनको और इनको, शाह बाबू को अपने घुमाने आया हूँ और अनु को, मतलब साथ में मुझे इसको भी कवर करना है। चलिए देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वैसे मुश्किल लग रहा है, चलिए बने रहिए व्लॉग में। गाइस 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 बहुत मसला पेश आ गया है, ट्रक वाला बहुत देर से कोशिशों कर रहा है कि किसी तरह से निकाल ले ट्रक, लेकिन जैसे ही वो ट्रक स्टार्ट करता है पुल हिलने लगता है। भाई चल ले बच्चे, चल ले मेरे लाल, चल ले, देखो अल्लाह ही रहे में क्या होगा आज, पुरजोर कोशिशें इंसानों की जारी हैं लेकिन मर्जी तो अल्लाह ही की चलनी है कि आगे होगा क्या। ये देखो कैसे ट्रक हिल रहा है स्टार्ट करने के बाद, इनको जो टहला लो तुम, इनको टहला लो जाओ पीछे। तो
इतना बड़ा ट्रक जो फंस गया है, कैसे क्या होगा। दोस्तों तो मैं अब वापस अभी घर आया था शाह और आनू को छोड़ने, और फिर मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे महज 10 से 15 मिनट लगे। अब क्या इस 10-15 मिनट में वो ट्रक निकल पाया होगा कि नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। अब तो ये वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोग रास्ते में हैं, महज 3 से 4 मिनट के अंदर हम लोग उस लोकेशन में पहुँच जाएंगे जहाँ मैंने भी आपको दिखाया कि ट्रक कितनी गलत तरीके से फंसा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ट्रक निकला होगा या फिर कोई हादसा तो नहीं हुआ है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हादसा बिल्कुल ना हो और बाकी वो सही सलामत वो ट्रक निकल जाए, क्योंकि पुलिस वगैरह सब आ चुके थे वहाँ पे। तो चलिए फिर लेके चलते हैं डायरेक्ट लोकेशन पे कि क्या हुआ। दोस्तों रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। क्या सही वक्त पे हम लोग पहुँच पाएंगे। फिलहाल अभी तो हम और वह दो लोग साथ ही में थे, लेकिन अभी पूरी टीम आ गई है, पीछे 3 लोग और आ गए हैं। तो जल्दी से चल के कवरेज करते हैं। बहुत बेसब्री है मुझे देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या वहाँ पे। दोस्तों रास्ते में हमें एक ट्रक और मिल चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर सीमेंट या कुछ और भी चीज भरी है। ये भी उसी रास्ते पे है। तो क्या इस ट्रक के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है? वैसे ना हो तो बेहतर है। तो इस ट्रक के पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये आगे हमें मिले। हम लोग को तो मेन उस ट्रक को कवरेज करना है ना। ये भी काफी बड़ा उसी तर्ज पे, ये भी काफी बड़ा ट्रक है। ये देखिए भयानक ट्रक। आराम से चलो बेटा, आराम से। बस दोस्तों ट्रैफिक से पता चल जाएगा कि क्या माहौल है। नहीं दोस्तों वो ट्रक अभी तक के फंसा हुआ है, मैंने देख लिया यहाँ से, मैंने कवर कर लिया यहाँ से, एकदम साफ देख सकते हैं आप कि अभी तक के ट्रक फंसा हुआ है। ये बहुत अभी तक के ट्रक फंसा हुआ है दोस्तों, अभी तक ट्रक नहीं निकल पाया है। क्या होगा आगे देखना पड़ेगा मुझे। वहां पे काफी ट्रैफिक लग रहा है, लोग धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। अभी तक के ट्रक फंसा हुआ है गाइस, अभी तक के। दोस्तों पिछले आधे घंटे से ये ट्रक ऐसे ही फंसा हुआ है, चलता फिरता रोड है और ट्रक अभी तक के फंसा हुआ है गाइस, अभी तक के ट्रक फंसा हुआ है। पुलिस वालों ने बैरियर लगा दिए हैं यहाँ पे, पुलिस वालों ने देखिए बैरियर लगा दिए हैं यहाँ पे पूरी तरह से, बैरियर लगा दिया है पुलिस वालों ने। देखिए पुलिस वाले भी यहाँ पे फोटो वगैरह खींचते हुए, इस ट्रक का फोटो वगैरह खींचा जा रहा है। दोस्तों ये देखिए किस तरह से ये फंसा हुआ है। तो फाइनली गाइज अभी तक के ट्रक फंसा है, कोई भरोसा नहीं है। 8-10-9 घंटे कितना लगेगा, सुबह हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। मैं इतनी देर टाइम नहीं दे सकता। अब कल मैं आऊंगा, अगर होगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकता कि क्या होने वाला आगे, मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि ट्रेन वगैरह आएगी, वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है पुल काटा जाएगा आधा, कोई कह रहा है। अब अगर भाई हमारे कह रहे हैं कि ऊपर का जो ट्रक का हिस्सा है बॉडी, वो काटी जाएगी। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, आखिर क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। लखनऊ वालों को ये खबर मिल जाएगी, पता करना पड़ेगा। दया अदनान भाई का दामाद कह रहा है कि जो है वो दीवार काट दिया जाए पुल, और सब मतलब जितनी मुंह उतनी बातें, कोई अपना तरीका बता। अरे असल बात हुआ, इसको लेकर आओगे तो क्या होगा। चलिए फिलहाल बस दुआ कीजिए कोई हादसा ना हो, और बाकी क्या होगा देखते हैं। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं ग्लोब बेकर्स एंड कैफे, यानी यहाँ चाय पीने आए हैं। बहुत अच्छी चाय होती है यहाँ पे, अक्सर हम लोग पीते हैं। तो हम लोग यहाँ चाय पियेंगे, क्योंकि वहाँ ट्रक तो हम लोग के सामने अभी निकला नहीं। अभी यहाँ से चाय पीने के बाद हम लोग सैरी वैरी करके एक बार फिर जाएंगे देखने की क्या माहौल है वहाँ पे। दोस्तों यहाँ चाय लेने के लिए काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। देखिए चाय का मजा लीजिए आप लोग। क्लासिक ग्लास चाय, और ये भीड़ बहुत कम है आज ना। क्यों भीड़ बहुत कम है आज? आज बहुत कम भीड़ है भाई, बहुत कम भीड़ है आज, भीड़ बहुत कम है आज। वैसे तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त मरवान अहमद, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, उमरा करने गया हुआ भाई, और फिर यहाँ लखनऊ पता नहीं कब आना हो उनका। वो भी यहाँ बहुत आते थे, वो इस कैंटीन के आशिक थे, यहाँ की चाय के वो आशिक थे। फिलहाल मरवान भाई तो है नहीं, हम लोग चाय पियेंगे और फिर उसके बाद सीधा घर जाएंगे और ट्रक को देखने कल जाएंगे, सहरी में जाएंगे। तो दोस्तों चाय आ चुकी है और अब हम लोग चाय का लेंगे मजा। अब वकर ने पहले ही चाय उठा ली है, इनका मामूल है कि ये शादी में जाएंगे तो पहली बिरयानी की प्लेट इनकी होगी। ये कहीं भी जाएंगे पहली चाय पहली बिरयानी इनका मामूल है, या यूं कहूं कि इनका रूल है। बिल्कुल भाई जरूर फोटो लीजिए।
ब्लॉग के साथ साथ फोटो शूट भी चलता रहता है, बीच बीच में मोहब्बत देने वाले लोग यानी आप ही लोग जो वीडियो देखते हो वो आते रहते हैं और फोटो खींचते रहते हैं। फिलहाल चाय हमेशा की तरह बहुत औसम है, तो कोशिश करेंगे कि शहरी में वहाँ पहुँचेंगे और देखेंगे क्या सिलेंडर हटा कि नहीं हटा। बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों 2 घंटे हो गए हम लोगों को पलट के हम लोग वापस आए, मगर अभी तक के वही हाल है, ट्रक अभी तक के फंसा हुआ है। यानी मुझे नहीं लगता है कि कुछ इसका सही इलाज हो पाएगा। ये देखिए गाइस, अभी तक के ट्रक फंसा हुआ है, लमसम इस ट्रक को फंसे फंसे 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और ड्राइवर गायब है, वो कहीं कुछ इंतजाम करने गया है इस ट्रक के लिए। चलिए मुझे नहीं लगता निकल पाएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।